For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss a video. जुबैर खान भूखा रहेगा ना, उसको खाना खिलाएगा। तू बीइंग ह्यूमन की बात करता है, तूने अपनी इमेज है ना 2000 कार एक्सीडेंट के बाद चेंज की है। जब तेरे को बोला गया कि भाई तू बहुत बैड बॉय बन गया है, तो तूने एक गुड इमेज बनाया। सब रिपोर्ट है हमारे पास, और बीइंग ह्यूमन के नाम पे तू क्या करता है, दिखावा करता है। अंदर तो इंडस्ट्री में क्या करता है, कहाँ पे कौन से भाई के पास जाता है, कौन सी हीरोइनों के साथ जाता है, सब मालूम है, हमारे पास सब रिपोर्ट है। अर्शी वो तो इतनी गंदी लेडीज है, कपड़े आधे आधे पहन के पूरा दिन ऐसे ही लड़के लोगों ये करके, तो लड़के बोलेंगे नहीं, गुस्सा नहीं आएगा लड़के लोगों। मुझे सलमान खान को यही बोलना कि आप ऐसे और खाने में कपड़े पहन बोलते खाना में खुशी तो क्या करेगा, क्या करेगा कुरान क्या है, गंदी गंदी लेडीज लोग लाते हो और लड़की कपड़ा पहनने का जिसको मालूम नहीं है, हाँ कपड़ा पहनने का ढंग नहीं है। सलमान को बोलना है अपने कुत्ता को यार, कोई क्यों बोल रहा है अंदर, और मुझे मालूम है लेडीज का क्या है। और आप बोलो कि इधर बुला रहा है कुत्ता, बोला इधर बोल, हां हां ठीक है, हां करते हो आप, हां क्या ये बोलना है तेरे को, किधर कुत्ता इधर बुला रहा है, बुला मैं चैलेंज देता हूं, चल वहां आता अब तू आ जा बगैर बॉडीगार्ड के आना। नहीं नहीं बॉडीगार्ड लेके भी आए, चले गए बैंड्रा कुत्ता बना, आप जुबैर को कुत्ता बना, कुत्ता बना बैंड्रा लेकर आ रही हूं, कुत्ता बना किधर आना है भाई। सलमान खान ने बोला ना, तो मैंने उसको ये बोला कि तुझको तो लुक्का बोल रहा है ना, वो लीड में है मेरे भाई, मैं तेरे खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा, मेरी जान तू जिस वो सलमान खान तेरे को नीचा दिखा रहा है ना, तो मैं बोला भाई वो लुक्का तू समझता ना, वो लीड में आया, तू तो इतने बड़े राइटर का बेटा होने के बाद में भी तू साला सेकंड लीड में आया था, तेरी पहली पिक्चर आई बात समझ में मेरा भाई। भाई सलमान खान ने बोला ना, तो मैंने उसको ये बोला कि तुझको तो लुक्का बोल रहा है ना, वो लीड में है मेरे भाई, मैं तेरे खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा, मेरी जान तू जिस वो सलमान खान तेरे को नीचा दिखा रहा है ना, तो मैं बोला भाई वो लुक्का तू समझता ना, वो लीड में आया, तू तो इतने बड़े राइटर का बेटा होने के बाद में भी तू साला सेकंड लीड में आया था, तेरी पहली पिक्चर आई बात समझ में मेरा भाई। चलो गाड़ी आने के लिए जहाँ सलमान सर, पीछे ले पीछे ले पीछे ले पीछे पीछे प्लीज दादा लंबा टूबा है, एक्चुअली मैं कॉलेज के दौरान जब करती थी तो फैशन इवेंट्स में पार्ट लिया करती थी। इट्स रियली नाइस कि आज भी उतना ही एंथुजियाज्म है फैशन को लेकर, स्टूडेंट्स फैशन डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं, एंड ऑफ कोर्स जो मॉडल्स हैं वो भी उनके कपड़ों को अच्छे से दर्शाना चाहते हैं, सो इट्स ऑलवेज गुड टू कम एंड एनकरेज अप एंड कमिंग टैलेंट, यू नो। आपके लिए फैशन की डेफिनेशन क्या है? फैशन का एक्चुअली कोई डेफिनेशन नहीं है मेरे लिए, कोई कहता है कि ट्रेंड क्या है, स्टाइल क्या है, आई थिंक
I don't know what fashion trends are, but style is what you make of what you're wearing. For me, your personality is आपकी personality वो होती है जो बिल्कुल साधारण से कपड़े को भी बहुत ही ज़्यादा fashionable दिखा सकती है. So for me, my mom always said आपको ये नहीं बनाता, आपको ये बनाता है. So, इतने सारे लोगों को आपने वॉक करते हुए देखा, उसमें से कोई फेवरेट कंटेस्टेंट अगर आप शेयर करना चाहें? अभी तो कैसे बताऊँ, पहले रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद सभी को मालूम पड़ जाएगा. बहुत बिग बॉस काफी कॉम्प्लेक्स हो रहा है, काफी आज मैं यहाँ पर बिग बॉस की बात कर रही हूँ. लेकिन आपने बोला कि आप सपोर्ट नहीं करते हैं. मैंने कोई बात नहीं करी है, मुझे ये बार बात नहीं करनी है आपको इस इवेंट के बारे में. खान के खिलाफ की है, मैं विवेक ओबरॉय हूँ और मैं इंशाल्लाह सलमान खान को लेके जाऊंगा. जो है ना, उसको बहुत शौक है लोगों की बेइज्जती करने का, और वहाँ पर बुलाकर कंटेस्टेंट को क्या करना है, मेरी रिपोर्ट निकालना, तू मेरी रिपोर्ट निकालेगा, मैं तेरे को चैलेंज करूँ, तेरी रिपोर्ट तो हमारे पास है और ये मेरी बहन लड़ेगी. और सुन ले, तू तेरी मैंने इज्जत रखा कैमरे के ऊपर, तूने पूरी दुनिया के सामने मेरी इज्जत उतारा. नल्ला डॉन, मैं डॉन नहीं हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ. और एजाज खान है ना, लुक्का तो लीड में आया मेरी पिक्चर में, तू साइड रोल में आया था फारूक शेख के, इसमें उसका भाई बन के आया था. तेरे को ओपन चैलेंज देता, तेरे को जो करने का कर ले जुबैर खान के खिलाफ, और जुबैर खान को और मेरी बहन लोग को, हम लोग के घर के मर्द तो बाद में उतारूंगा तेरे खिलाफ, पहले मेरी बहन लोग लड़ेंगे ना. मैंने कहीं पे भी ये बोला, कलर्स चैनल ने मेरी इमेज खराब करी कि मैं फलाना फलाना का दामाद हूँ. मैं नाम नहीं लेता, मेरा एक आर्टिकल छपा, उसके बाद मेरी जिंदगी 2011 से बर्बाद हो गई. मैं फिल्म डायरेक्टर हूँ, मैं अंडरकवर रिपोर्टिंग करता हूँ, और मैं छाती ठोक के बोलता हूँ कि मैं जर्नलिज्म का हिस्सा हूँ और उनका पार्ट हूँ. Presently, Arbaaz Khan is busy shooting for his film with Sunny Leon, after which the actor and producer may start working on Dabang 3. While the third inning of the Dabang franchise is all set to hit the floors next year, Arbaaz has in the meanwhile signed another film titled Coming Back. The film is a romantic drama and will mark his comeback. This film too will hit the floors by the end of this year or early next year. So it seems like Bhai Salman Khan, Arbaaz Khan too, is trying to keep himself busy with multiple projects. So what do you think of this? Do let us know by commenting in the section. Salman Khan's movie Tube Light was a big flop, and seeing this, many people started to mock the Sultan and make fun of the film. Two such people were Akshay Kumar and Karan Johar. The grapevine is abuzz with rumors that Akshay Kumar and Karan Johar made fun of Salman Khan's film Tube Light, and this did not go down too well with the Bhaijaan. And so he has decided not to go ahead with Karan Johar and Akshay Kumar's war-based film. Previously, Sajid Khan too had made a lot of fun of Tube Light, and now we wonder what the Bhaijaan will say to this. Do let us know by commenting in the section below. The controversy between Hrithik Roshan and Kangana Ranaut is sparking more and more with each passing day. And now Hrithik has stated that Kangana also sent him nude pictures. Yes, since a long time, Kangana has been flinging allegations at Hrithik about a lot of things, but the Greek god of B-Town has maintained a stoic silence. But recently, the junior Roshan bared it all on social media, stating that he has never met Kangana on a personal level. It was an imposter who had created a fake ID, and Kangana had mistaken it to be Hrithik and sent a nude picture of herself. Now with this revelation, we wonder how Kangana will clear the air. What do you think? Do let us know by commenting in the section below. Recently, Salman had given an interview with BBC India, and while conversing with Harun Rashid, Bhaijaan was asked about the success of his tours out of India. Salman said that the young NRIs are connected to Indian values because of their family roots and Hindi movies. Salman further said that this is a reason why he does not allow kiss scenes or vulgarity or skin exposures in his movies. Sultan of Bollywood said that even today, when he watches movies with family and a kiss scene comes, Bhaijaan turns away his face.
Salman further joked that he would still prefer the old Hindi film way of showing two flowers dash with each other than do a kiss scene. Certainly, in today's age of bikini scenes and double-meaning comedy movies, Paijaan's movies are the only ones that are safe to watch with family. Henna. The Hrithik Kangna controversy is now engulfing a lot of other B-Town celebrities in its fold. Earlier names of stars like Deepika Padukone and Ranbir Kapoor had surfaced, and now Kangna has mentioned Salman Khan in one of her mails to Hrithik. In a mail dated 9th October 2014, Kangna had written that while she was glad that Hrithik went to Big Boss to promote his film, he didn't meet Salman Khan. She even called him crazy and stated that many industry insiders had told her that by working with Salman, she would harm her brand. She stated that after Queen, Salman was desperate to meet her, but she didn't want to. She even referred to Salman as unpleasant. Wow. When even the Sultan is not spared, we wonder what next. Any guesses? Little Munchkin Abram is all set to go to school. Reports state that he has begun attending Dhirubhai Ambani International School in Mumbai and is in class from 9 a.m. to 1 p.m. While Abram is already a star of sorts and the darling of the paparazzi, Daddy Shah Rukh Khan has issued a strict instruction to the paps not to click Abram's pictures when he is entering or leaving school. King Khan wishes that Abram enjoys his schooling freely. Although a couple of paps do persist, they never succeed, and knowing King Khan and his temper, they would better pay heed. So what do you think of this? Do let us know by commenting in the section below.